लोगों के हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है एक आम आदमी का अमीर आदमी बनने में? आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड तो करने वाला हूं, बट सबसे पहले इस चैलेंज के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में लोग अमीर तो बनना चाहते हैं पर वो इस चैलेंज को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वो चैलेंज ये है कि एक आम आदमी जो हो सकता है आज गरीबी में जी रहा हो, उसके आसपास भी सारे गरीब लोग ही होते हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज के सराउंडिंग्स में भी मिडिल क्लास फैमिलीज होती है। अब वो जो बोलते हैं, जो वो सोचते हैं, जो वो काम करते हैं, उनकी वजह से वो मिडिल क्लास ही रहते हैं। सो एक गरीब आदमी के पास बेसिकली एक अमीर आदमी नहीं होता उसे गाइड करने के लिए, उसे रास्ता दिखाने के लिए कि उसे करना क्या है। सो आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, ये एक 40 दिन की सीरीज होने वाली है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन गेट अ रिच लाइफ, आपका फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। तो आज हम एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहे हैं, हम एक एग्जांपल के लिए एक 18 साल के बच्चे का एग्जांपल ले रहे हैं जिसका नाम है राहुल। अब राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने जैसे बताया था कि आप इमेजिन कीजिए उसके पापा की एक प्राइवेट जॉब है, मम्मी हाउसवाइफ है, घर में एक बहन है और बड़े मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा है, पिताजी के ऊपर कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, पर उसके माँ बाप चाहते हैं कि राहुल पढ़े, आगे बढ़े, उसकी भी कोई अच्छी नौकरी लगे। पर अब यहां से उसके घर वाले जो चाहते हैं और राहुल क्या करना चाहता है, राहुल क्या चाहता है लाइफ में, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो इंटरनेट पे लोगों को तो देखता है, किसी ने बड़ी घर ले लिया, किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, कोई फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहा है और राहुल ये सब अपनी जिंदगी में चाहता है, पर राहुल को ये नहीं समझ आ रहा कि ये सब होगा कैसे। हो सकता है आज आप भी इसी डिलेमा में हो कि ये होगा कैसे, हाउ। सो इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि राहुल ए से बी पर जाना चाहता है, बट यहां पर कुछ चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये बी जो भी है, मतलब आज हो सकता है राहुल जीरो पर है, आज उसके पास पैसे नहीं है और वो चाहता है मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ जाए, ठीक है 1 करोड़ रुपया चाहता है। So, अभी पॉइंट ये है कि ये कितना रियलिस्टिक है, दूसरी चीज है ये होगा कैसे, और तीसरी चीज है कि भाई 1 करोड़ क्यों भाई। अब पॉइंट पता है क्या है, इन तीनों चीजों में इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये रियलिस्टिक है नहीं है, क्योंकि जो इंसान का दिमाग सोच सकता है, वट एवर योर माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। तो ये 1 करोड़ किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है और किसी के लिए 1 करोड़ रुपया एक दिन की कमाई हो सकती है। सो ये रियलिस्टिक है नहीं है, इसके ऊपर हमें बात करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जितनी ज्यादा इस चीज के ऊपर जरूरत है कि भाई तुझे चाहिए क्यों। अगर उस वाई के अंदर ताकत नहीं होगी, जिसे मोटिवेशन बोलते हैं, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब होता है वाई यू डू वट यू डू। सो आप जो भी करने वाले हो उसे क्यों करने वाले हो। तो अगर मैं राहुल को बोलूं 1 करोड़ नहीं मिलेगा तुझे, तुझे सिर्फ 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो चलेगा? राहुल कहेगा हाँ वो भी चलेगा। तो 1 करोड़ के लिए ना उसकी कोई मोटिवेशन थी ही नहीं, तो ये कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं, या फिर नियर फ्यूचर में तो वो नहीं आने वाला, क्योंकि मोटिवेशन ही क्लियर नहीं है। क्यों चाहिए भाई? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं कॉलेज में था, सो मेरे लिए एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, मैं अच्छी लाइफ जी रहा था, मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे, फाइनल ईयर तक मैं ठीक ठाक पैसे कमाता था, बट मुझे शादी करनी थी। अब शादी अगर मुझे करनी थी, सो मुझे इतना पता था कि जो आज मेरी वाइफ है, अगर मुझे इस लड़की से शादी करनी है तो मुझे अपने आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, एक सर्टेन लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, अपना घर चेंज करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए वो फिगर्स मैंने पेपर पे लिखी थी कि मुझे किस चीज के लिए कितना कितना पैसा चाहिए होगा, और उतना उतना पैसा कमाने के लिए फिर क्या क्या करना पड़ेगा, ये एक अलग स्टेप आ जाता है। तो जनरली होता क्या है कि लोगों का ना मोटिवेशन ही क्लियर नहीं होता, क्यों, कब तक, कैसे, इनके ऊपर लोग बात नहीं करते। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो आज एक आदमी गरीब है, ठीक है मुझे समझ आ रहा है कि गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, पर अगर उसका वाई स्ट्रांग नहीं होगा तो कभी भी वो अपनी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा। उसका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो सेटल हो गया, सो ये अंग्रेजी की जो मैं कहावतें बोल रहा हूं ना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। व्हाट यू सेटल फॉर इज व्हाट यू गेट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, व्हाट यू सेटल फॉर इज व्हाट यू गेट। एक लड़की की शादी होनी है, उसको घर वाले रिश्ते दिखाते हैं। अब कोई लड़का इतना खूबसूरत नहीं है, लड़की बहुत खूबसूरत है, पर अगर लड़की हाँ कर देती है कि ठीक है उसके पास एक स्टेबल जॉब है, घर वाले ठीक है, सब कुछ ठीक है, मेरे घर वाले बोल रहे हैं मैं शादी कर लेती हूं, सो व्हाट यू सेटल फॉर इज व्हाट यू गेट। अब उसी से शादी होगी, व्हाट यू सेटल फॉर आपने सेटल कर लिया। एक आदमी अपने दिमाग में पहले सोच रहा था जी मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, बट उसे कहीं से 25,000 रुपए महीने की जॉब मिलती है, एंड नाउ ही सेज कि यार ठीक है मेरी 25-30 हज़ार की भी सैलरी मिल जाती है मुझे, तो आई एम वेरी हैप्पी। So what you settle for is what you get. आपने 25-30 हज़ार पे सेटल कर लिया, आपको वही मिलेगा। ये एक अलग बात है कि आज मैं अपने घर की परिस्थिति देखते हुए 25-30 हज़ार की जॉब कर रहा हूं या कोई भी काम कर रहा हूं जिससे आज घर चलता है, बट मैं सेटल नहीं हूंगा, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आप देखोगे ज्यादातर लोग, अगेन मैं मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करता हूं, आप देखना एक आदमी जब अपने 30s को क्रॉस कर लेता है, वो दिमाग में ना सेटल करना शुरू कर देता है चीजों को कि अब मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी, अब कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को सेटल कर चुका है एक सर्टेन कंडीशंस के अंदर, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। तो आपको क्या समझना है कि आप जहां पर सेटल हो जाओगे आपको वही मिलेगा, और अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए तो उसके पीछे आपका वाई बहुत सॉलिड, बहुत क्लियर होना चाहिए।
बहुत सॉलिड, बहुत क्लियर नहीं होगा, नहीं बदलेगा कुछ। आप देखते हो आपके परिवार के ऊपर कर्जा है, आपको उसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ये आपका एक मोटिवेशन हो सकता है, क्योंकि उस कर्जे की वजह से आपके मां बाप परेशान हो रहे हैं, आपकी मां के आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये आपके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है। आपको अपनी बहन की शादी करनी है, ये आपका मोटिवेशन हो सकता है। आपको अपनी शादी करनी है, आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है। आपको अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है। सो मोटिवेशन को क्लियर करना जरूरी है कि आपको क्यों करना है भाई। आज ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसके पीछे भी कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होगा, वरना आप क्यों देख रहे हो? आप कोई कॉमेडी देखो ना, उसमें आपको मजा आएगा, इसमें कोई मजे की बात ही नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं आपको बदलने की। सो अब यहां से शुरू करते हैं, उस राहुल को क्या समझना है। उस राहुल को सबसे पहले एक सेल्फ रियलाइजेशन फेज में जाना है, उसे अपने आप से बात करनी है, सेल्फ टॉक करनी है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सेल्फ टॉक, ये बहुत जरूरी चीज है। मैं अपनी बात करता हूं, क्योंकि ये जो भी चीजें मैं आपको अब आगे के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं ना, ये सारी वो चीजें हैं जो शायद मैंने खुद के साथ बहुत करी है। तो मेरा सेल्फ टॉक का एक टाइम होता था, और वो टाइम, उस टाइम पे मेरे आसपास कोई नहीं होता था, मैं आपको बता देता हूँ। वो टाइम था मेरा तब जब मैं सुबह सुबह नहाने जाता था। मैं नहाने में बहुत टाइम लगाता था, आधा घंटा पौना घंटा नहाने में लगा रहा हूँ। लोगों को लग रहा नहा रहा है, पर अंदर ही अंदर मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने आपसे बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब मैं नहा चुका हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मैं पेपर और पेन के साथ बिताता था। वो पेपर और पेन के साथ में जो टाइम मैं बिताता था, वो मेरा सबसे गोल्डन टाइम होता था पूरे दिन का, क्योंकि उस टाइम पर मैं प्लानिंग करता था कि आज क्या करना है, और जो आज मैं एक्शन ले रहा हूँ क्या वो मुझे मेरे गोल तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। मैं जो भी बातें कर रहा हूं, हो सकता है मैं बहुत सारी ऐसी बातें कर रहा हूं कि आप धीरे धीरे आपको डॉट्स मिल रहे हैं, एंड यू विल कनेक्ट द डॉट्स लेटर ऑन। तो आप अपने नोट्स बना सकते हो। आप ये जो सीरीज है ना, इसे आज ही शुरू हो रही है, आप इस सीरीज को जितनी बार सुनोगे ना, ये आपको एज अ गाइड काम करेगी लाइफ में, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको आज एकदम से स्ट्राइक नहीं करेंगी, फिर कभी आप किसी चैलेंज में फंसे होगे, वो बात आपको तब याद आएगी और वो आपको तब हेल्प करेगी। सो राहुल को सेल्फ टॉक करनी है, और मैंने एक वर्ड बोला था सेल्फ रियलाइजेशन करना है। अब यह सेल्फ रियलाइजेशन किस चीज का रियलाइजेशन है? देखो, आपको ना दुनिया में सब कुछ नहीं मिलेगा, और आपको वो मिलेगा जहां पर आप सेटल करोगे, और आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। तो अपनी औकात को समझना जरूरी है। सो पार्डन मी फॉर माय वर्ड्स, बट ये वर्ड्स बहुत जरूरी हैं। हमें अपनी औकात के हिसाब से मिलता है, जो हम डिजर्व करते हैं, जितना हम डिजर्व करते हैं सिर्फ उतना ही मिलता है। ऊपर वाला किसी को भी डिजर्व वो जितना करता है उससे ऊपर नहीं देगा। आप यहां पे हम बात करते हैं वॉरेन बफे के, एक पार्टनर है, हो सकता है आपने उनके बिजनेस पार्टनर के बारे में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, तो आप पढ़ लीजिएगा, चार्ली मंगर की मैं बात कर रहा हूं। सो चार्ली मंगर ये स्टेटमेंट बोलते हैं, दिस वर्ल्ड इज नॉट क्रेजी एनफ प्लेस टू रिवॉर्ड अ होल बंच ऑफ अनडिजर्विंग पीपल। तो ये दुनिया पागल नहीं है उन लोगों को रिवॉर्ड करने के लिए जो डिजर्व नहीं करते। तो अगर आप कहते हो, कोई आज बोलता है जी मुझे कोई स्पोर्ट्स कार खरीदनी है या एक बहुत बड़ा घर खरीदना है, क्या आप उसे डिजर्व करते हो? आप तो सोच रहे हो कि भाई मेरी मिस इंडिया से शादी हो जाए, क्या आप डिजर्व करते हो? क्या मिस्टर इंडिया हो? वो मिस इंडिया किससे शादी करना चाहती है ये तो आपने सोचा ही नहीं है ना। आप तो बोल रहे हो जी मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, बट क्या आप डिजर्व करते हो? मैं अगेन इसी बात पे आता हूं। तो जब मैं कॉलेज में था, सो अगेन मेरी वाइफ जो आज है, फर्स्ट टाइम जब हमारी बात हुई उसने मुझे रिजेक्ट किया। रिजेक्ट नहीं किया, रिजेक्ट करना बहुत ईजी वर्ड लग रहा है, उसने मेरी बेइज्जती ही कर दी पूरे कॉलेज के सामने। अब मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं कभी इस लड़की से बात ना करूं क्योंकि मैं नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, और दूसरी मेरे पास चॉइस थी कि मैं अपने आप को ग्रो करूं, इस लेवल पर आऊं कि भाई आज इस लड़की को कैसा हस्बैंड चाहिए वैसा अगर तू बन जाए तो यू विल डिजर्व एंड यू विल गेट। तो देखो मेरे पास बचपन से सब कुछ तो था नहीं, बट ये जो चीज आज मैं आपको बता रहा हूं, मैंने स्टेप बाय स्टेप सीखी है, और ये चीजें मेरे दिमाग में तब भी चलती थी कि आज तुझे रिजेक्ट किया गया क्योंकि तू डिजर्व नहीं करता। सेम अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हो और आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आप गुस्सा करो, यार सामने वाले ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे जॉब नहीं दी। आप अपने से सवाल पूछना, आप डिजर्व करते हो क्या? आप उस जॉब को डिजर्व करते हो? क्योंकि अगर आप डिजर्व करते हो ना मेरे भाई, आपको मिलेगा। आप कहते हो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने यूपीएससी के एग्जाम दी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप डिजर्व करते थे? क्योंकि जब हम अपने गिरेबान में झांकते हैं ना, हमें पता होता है कि हमारी औकात क्या है, हम कहां स्टैंड करते हैं, हमें पता होता है। अगर आज ये सेल्फ रियलाइजेशन आप करोगे ना कि भाई अगर मैं डिजर्व करता हूं, मैंने इतनी पढ़ाई करी है कि मैं आईआईटी में टॉप मारूंगा, उसके एंट्रेंस एग्जाम में टॉप मारूंगा, मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। हो सकता है एक बार में आपका सिलेक्शन नहीं हो, दूसरी बार में हो जाएगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हो और आपको पता है। बट अगर आपको पता है ना यार मैं डिजर्व ही नहीं करता, तो शायद आप एग्जाम देने भी मत जाओ, आपका सिलेक्शन नहीं होना। तो आज सबसे पहले उस राहुल को ना एक सेल्फ रियलाइजेशन फेज में जाना है कि आज मेरे अंदर क्या क्या कमी है जो मुझे सुधारनी है। देखो अगर मैं ये आइडेंटिफाई ना करूं, एक आदमी की गाड़ी खराब हो जाए और सर पकड़ के बैठ जाए, गाड़ी चल नहीं रही, तो क्या वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। उसे सबसे पहले बोनट खोल के चेक करना पड़ेगा, या फिर किसी एक्सपर्ट से, कोई मैकेनिक होगा, उसे चेक करवाना पड़ेगा गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ये नहीं चल रही। तो आज अगर आपकी जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं चल रही, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस वजह से आपकी जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं चल रही। अब आपको देखो, हो सकता है मैं थोड़ी फिलॉसफी की बातें करूं, बट ये फिलॉसफी जो भी मैं करूंगा ना, कोई भाषण नहीं है मेरे भाई, ये वो फिलॉसफी है
जिसने मेरी फाइनेंशियल जर्नी में मुझे हेल्प किया है, मेरी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे हेल्प किया है, आज ऊपर वाले की मैं ये कृपा समझता हूं कि ये ज्ञान मुझे मिला जिसकी वजह से मैं जिंदगी में थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाया हूं और आगे बढ़ रहा हूं। इसीलिए आज मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मेरा फर्ज बनता है कि जो ज्ञान मुझे मिला है और मुझे लगता है ज्ञान जिंदगी बदल सकता है, ऐसा ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। आप लोगों के पास ये पहुंचना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आपको ये बोरिंग लगे और आपको लगे यार क्या बातें चल रही है, तो मैं फिलोसफी की बातें करूंगा, साइकोलॉजी की बातें करूंगा, बट ये बातें नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग विजडम है। सो हम शुरू करते हैं। सो मैंने जैसे बोले गाड़ी खराब है, अब उस गाड़ी में आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा क्यों है कि गाड़ी खराब है, ऐसा क्यों है। एक अगेन एक मोटिवेशनल स्पीकर है स्टीव हार्व एकर, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, तो उनके बारे में आप पढ़िएगा डेफिनेटली। बट उनकी अगेन एक कमाल की चीज मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने उनसे सीखी। वो एक एग्जांपल देते हैं, वो बोलते हैं कि एक पेड़ है, मेरी ड्राइंग के लिए मुझे माफ कीजिएगा, तो ये एक पेड़ है, एक ट्री है, और इस ट्री के ऊपर फ्रूट्स हैं। तो यहां पर मान लीजिए सेब है, बहुत सारे सेब है। अब ये सेब इतने मीठे नहीं है, इन सेब के अंदर आप कहते हो उतना न्यूट्रिशन नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो, आप रिजल्ट्स को देख रहे हो, रिजल्ट्स कि ये जो फ्रूट है वो इतना बढ़िया नहीं है, उतना लाल नहीं है, उसमें उतनी शाइन नहीं है, उतना जूस नहीं है। आप उस रिजल्ट को देखकर बोल रहे हो कि रिजल्ट बेकार है। तो एक बच्चा फेल हो गया, हम बात कर रहे हैं उसके रिजल्ट बेकार आया है, और रिजल्ट के लिए उसे कोसा जाए, बात वो सही नहीं है। ये रिजल्ट ऐसा हुआ क्यों? प्रॉब्लम फ्रूट में नहीं है, प्रॉब्लम रूट्स में है। उसे नीचे से शायद उतना मॉइस्चर नहीं मिला, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिला, उसे सॉइल में वो नरिशमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो फ्रूट खराब है। तो लाइफ में हमारे साथ भी ऐसा होता है, व्हाट यू सी इज योर फिजिकल वर्ल्ड, बट फिजिकल वर्ल्ड रिजल्ट है। आपकी जिंदगी में आपको क्या मिल रहा है, ये आपका रिजल्ट है। आपके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सी बीवी है, कौन सा घर है, ये सब रिजल्ट्स हैं। पर आपके जो रूट्स हैं वो है आपका एक मेंटल वर्ल्ड, जो दिख नहीं रहा, जो इनविजिबल है, बट उसमें क्या चल रहा है। अगर यहां पे गड़बड़ होगी तो वहां पर गड़बड़ होगी ही होगी, अगर रूट्स में गड़बड़ होगी तो यहां पर गड़बड़ आएगी ही आएगी। सो आपको अपने मेंटल वर्ल्ड पे काम करना जरूरी है, और यहीं से शुरू होता है माइंडसेट डेवलपमेंट। जब हम माइंडसेट डेवलपमेंट की बात करते हैं, देखो अब आइडेंटिफाई क्या करना है। आज राहुल को लगता है कि वो गरीब है, तो वो तो एक रिजल्ट हो गया, वो फ्रूट हो गया, पर प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है वो क्या सोचता है, वो क्या चॉइसेस लेता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एक सेल्फ रियलाइजेशन फेज में राहुल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या कमियां हैं और वो क्या क्या इंप्रूव करे जिससे वो लाइफ में आगे बढ़े। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पर हम सबसे पहले बात करते हैं राहुल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं राहुल बोल रहा हूं, आप अपने ऊपर ले लो अगर आप आज उससे रिलेट कर पा रहे हो राहुल से, कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो राहुल को सीखनी जरूरी है। हो सकता है आज उसे बोलना ही नहीं आता, राहुल तो बहुत इंट्रोवर्ट है। ऐसा नहीं इंट्रोवर्ट लोग अमीर नहीं बनते, बट पॉइंट ये है कि यार अगर आज आप बिजनेस वर्ल्ड में आगे बढ़ोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, आप अपनी बात कम्युनिकेट करना जानते हो, आप सामने वाले को समझ पाओ, ये सब स्किल्स हैं जो जरूरी हैं। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे, सेल्स स्किल्स की भी बात करेंगे, फाइनेंशियल स्किल्स की भी बात करेंगे। सो हम 40 दिन के लिए साथ हैं, और 40 दिन में सच में मैं आपको बता रहा हूं आपको बहुत मजा आने वाला है। पर राहुल के लिए रियलाइजेशन जरूरी है कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। आज अगर वो कहीं अच्छी जगह पर जाता है, किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाता है, शायद उसका ड्रेसिंग सेंस उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है उसके पास इतने पैसे ही ना हो कि वो एक ढंग का फॉर्मल ड्रेसिंग को अफोर्ड कर सके। तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब आज उसके पास एक नए जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, हो सकता है ऐसा हो, पर वो कैसे आएंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो बट ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मुझे चाहिए क्या, व्हाट आई वांट एग्जैक्टली एंड व्हाई आई वांट इट। मुझे क्या चाहिए और मुझे क्यों चाहिए, मुझे क्या चाहिए और मुझे क्यों चाहिए, ये सवाल आपको अपने आप से लगातार लाइफ टाइम पूछना है। मुझे क्या चाहिए और मुझे क्यों चाहिए, क्या और क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट, जब आपके ये दो सवाल के आंसर क्लियर हो जाएं, तब हम बात करेंगे हाउ। सो ऐसा बोला जाता है, ऐसा इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं कि इफ यू नो योर व्हाई यू विल फाइंड योर हाउ। अगर आपको अपना व्हाई पता है यू विल फाइंड योर हाउ, तो हाउ मिल जाएगा। अगर इस पूरी दुनिया में किसी के पास वो है जो आपको चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इस पूरी दुनिया में किसी के पास वो है जो आपको चाहिए, तो आपको भी वो मिल सकता है, क्योंकि वो चीज एग्जिस्ट करती है। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बात करें तो घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सब किसी ना किसी के पास है, सो आपको मिल सकता है भाई। बट उसका वाई कितना स्ट्रांग है ये हमें जानना जरूरी है। तो राहुल को सबसे पहले तो अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, अपने मेंटल वर्ल्ड से लेकर अपने आप को इवॉल्व करने तक उसे बहुत कुछ जानने की जरूरत है। स्किल्स के ऊपर हम बात करेंगे, हम माइंडसेट के ऊपर अभी बात करने वाले हैं कि अब राहुल को धीरे-धीरे अपनी ब्रेन की न्यूरो प्रोग्रामिंग को बदलना पड़ेगा। राहुल अपने आप से क्या बातें करता है, सेल्फ टॉक क्या करता है, ये बहुत जरूरी है। आज लोग इसे ना इग्नोर कर देते हैं। होता क्या है कि
मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो पढ़ाई बहुत अच्छी करता था, मार्क्स बहुत अच्छे लाता था, पर किसी ने, एक टीचर ने उसे बोल दिया तू बिल्कुल अच्छा नहीं है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, मैं बोल रही हूं, मैं लिख कर दे रही हूं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, और उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसी दिन से उसके मार्क्स कमाने शुरू हो जाते हैं और वो अपनी नजरों में गिर जाता है। उस टीचर को रियलाइज नहीं हुआ कि उसने क्या कर दिया। हमें इस सोसाइटी में ना ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटर्स की जरूरत है, क्योंकि पैर खींचने के लिए, टांग खींचने के लिए सब है, कोई ये बोलने के लिए नहीं है कि तू कर सकता है और तू करेगा। यू कैन डू इट। मैं आपको बताता हूं, अपना एक एग्जाम्पल देता हूं। सो ये सच भी है, जब मैं आप ये समझ लो कि स्कूल जस्ट मैंने पास आउट किया, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ट्वेल्थ के शायद बोर्ड एग्जाम से पहले की ये बात होगी, कि हम बहुत सारे एंट्रेंस फॉर्म्स भरते थे। तो हमारे घर के पास एक स्टेशनरी शॉप थी जहां पर फॉर्म्स मिल जाते थे और वहां पे वो हेल्प कर देते थे। उनके पास एक कंप्यूटर सिस्टम भी था कि आपको कोई भी फॉर्म भरना है तो वहीं से भर जाता था। तो मैं बहुत सारे फॉर्म भरने वहां पे गया, तो वहां पर जो वो शॉप का ओनर था उसने मुझे ये बात बोली, मैं तुझे लिख कर दे रहा हूं, तेरा किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होगा, उसने मेरे मुंह पे बोल दी। अब जब उसने ऐसा बोला तो मुझे लगा ऐसा क्यों आपको लगा, कह रहा मैं बस बोल रहा हूं तेरे से नहीं होगा। तो उसने क्या किया, उसने मुझे डिमोटिवेट कर दिया कहीं ना कहीं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमें एक रियलाइजेशन होता है, हमें पता होता है हम डिजर्व करते नहीं करते, तो मुझे पता था कि मैंने इतनी मेहनत नहीं करी है कि मैं बहुत अच्छी रैंक ले आऊंगा। मुझे बस इतना पता था कि आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, हाँ आई कैन डू इट, बट शायद बहुत अच्छा IIT कॉलेज में तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आएगी, ये मुझे पता था। तो ये मुझे पता भी था और सामने वाले ने मुझे डिमोटिवेट भी कर दिया। अब क्या हुआ, ये कंफर्मेशन हो गया कि यार अब तो मेरे से कुछ नहीं होगा, और मैंने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया कि यार नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। अब हुआ क्या, ये सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, कई सारे लोग हैं जिनके पास कोई और डायरेक्शन भी नहीं होती। ठीक है, मैंने लाइफ में कुछ और डायरेक्शंस पकड़ ली जिससे मैं कहीं और पहुंच गया, पर कई लोग होते हैं जो मान लेते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूं और मैं नहीं कर पाऊंगा, और वहीं से बात खत्म हो जाती है। तो ये सेल्फ टॉक कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मैं करूंगा। सचिन तेंदुलकर बोलता है ना कि जब उन्हें बॉल लगी थी, सामने शायद नवजोत सिंह सिद्धू थे इस पर, और उन्हें बॉल लगी थी, वो हर्ट हो गए थे, पर उन्होंने बोला मैं खेलेगा। वो सेल्फ टॉक है कि मैं करूंगा, मैं खेलूंगा, मैं टिका रहूंगा क्रीज पर, क्योंकि अगर मैदान छोड़कर गया ना तो हो सकता है जिंदगी दोबारा मौका ही ना दे। सो ठीक है, अभी थोड़ा मोटिवेशन हो गया है, अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले थे। तो आज हमने अभी क्या क्या बातें करी हैं, हम उसे समझते हैं। हमने जो बातों को आपको समझाने की कोशिश करी कि आज जो आप देख रहे हो वो रिजल्ट्स हैं, जो दिख रहा है, पर रिजल्ट्स अगर खराब हैं तो कहीं और फोकस करने की जरूरत है, जो कि रूट्स और मेंटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करी, आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए और आपको क्यों चाहिए। अगर आपका वाइस स्ट्रांग नहीं होगा आपको नहीं मिलेगा लाइफ में, ये आप मान के चलिए। और हमने ये भी बात करी कि भाई आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कि गरीब आदमी के पास आसपास गरीबी लोग होते हैं। सॉरी मैं पहले अपने शब्दों के लिए क्षमा मांग चुका हूं, बट ये सच है। होता क्या है, जो ह्यूमंस है वो सोशल एनिमल्स हैं, और एक जैसे लोग एक जैसे लोगों के साथ रहते हैं। जो स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं तो वो स्पोर्ट्स जो अच्छा खेलते हैं वो सब एक साथ रहते हैं, वो बातें करते हैं। और आप ये देखोगे जो बैक बेंचर्स होते हैं स्कूल के अंदर, बैक बेंचर्स मतलब जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते वो सब एक साथ रहते हैं, जो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं वो एक साथ रहते हैं, अमीर लोग एक साथ रहते हैं मतलब उनका सर्कल अलग होता है, गरीब लोग एक साथ रहते हैं उनका सर्कल अलग होता है, उनका सेक्शन अलग होता है। सिमिलरली अलग अलग तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो हमारी सोसाइटी में, एक धर्म के लोग, एक वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं। तो ये साथ रहने वाला कल्चर तो चलेगा, पर अब करना क्या है, वो सर्कल ही तो छोड़ना है, उस सर्कल से बाहर निकलना। बट आप समझो, अगर आज राहुल के पास पैसे नहीं है, वो एक ऐसे घर से आता है जिसमें बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो वो उस घर से निकल के अगर किसी ऐसी सोसाइटी में जाएगा जहां पर बहुत अमीर लोग, एफ्लुएंट लोग रहते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी, वो अपने आप को भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा और वो लोग भी अनकंफर्टेबल होंगे उससे बात करने में। आज वो कहेगा कि भाई मुझे ऐसे सर्कल में रहना है जहां पर अमीर घर के बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, तो वो उसे एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब यहां पे पॉइंट क्या है, और ना ही वो इसे एक्सेप्ट करेंगे। सो अमीर लोग अपना सर्कल भी लिमिटेड रखते हैं, वो गरीब लोगों को एंटर नहीं करने देते। तो अब क्या करे वो राहुल, उसे तो अमीर बनना है, उसे तो इस सर्कल का पार्ट बनना है, वो कैसे होगा वो हम समझेंगे अगले एपिसोड में। तो अभी आज हमने जो बातें करी हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हो सकता है फिलॉसफी लगे आपको, बट आप जितनी बार इन्हें सुनोगे ना इन बातों को आपको डायरेक्शन जरूर मिलेगी। सो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, बट 40 डेज हम साथ में हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल दैट टाइम यू कैन शेयर दिस वीडियो। अगर आपको कोई सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, प्यार तो आप अपना दे सकते हैं लाइक करके, एंड आप ये मेरा मैसेज और लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि भाई ऐसी कोई फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है जो लोग सुन सकते हैं। आप अगर अपने ऑफिस जाते हो, गाड़ी में से ऑडियो लगा लो, आप अपने घर से कम्यूट करते हो रोज, आप सॉन्ग सुनते हो, आप बस ऑडियो लगा के सुन लीजिए, क्योंकि अगर दिमाग में बातें पड़ेंगी ना तो लाइफ में जरूर आपको हेल्प मिलेगी। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।